नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप जॉब अलर्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके HSSC, DHBN, UHBN, DRDO, DMRC, UPSC, इंडियन रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लेके आया हूँ, जो थ्योरी बेस से रिलेटेड है। जो तो थ्योरी मैंने पहले आपको कम्प्लीट करवा दी है उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिशियन की क्लास 7th स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी सेकंड क्लास रहेगी। और पहले के हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम ये सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या रहेगा, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण, तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को डैश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आउट ऑफ फेज। RMS मान इक्वल औसत मान बराबर किसके होता है, फार्म गुणांक के बराबर होता है। अधिकतम मान अपॉन में RMS मान किसके बराबर होता है, चरम गुणांक के। यदि औसत मान ज्ञात हो तो RMS मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है, 1.11 मल्टीप्लाई औसत मान से। यदि चक्कर का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है, 0.0606 EMX से। यदि चक्कर का अधिकतम मान ज्ञात हो तो RMS मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है, 0.0707 से। जवाक्रिय धारा को I इज इक्वल टू 70 साइन 31.4T द्वारा व्यक्त किया जा सकता, तो आवर्ती डैश होगी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। यदि किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान जेड हो तो परिपथ का मान आर का पता किस फॉर्मूले से करेंगे हम, आर इज इक्वल टू जेड कोस से। किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम प्रतिबाधा है तो 2 ओम को डैश हो तो प्रक्रिया प्रतिघात कितना होगा, 20 ओम। विभवांतर का समीकरण इक्वल टू 10√24 साइन ओमेगा टी दिया है तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, 10√24। प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 35.36 साइन 628 T, प्रभावी मान क्या होगा, 25 एम्पियर। प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 42.42 साइन 50 पाई T है तो औसत मान कितना हुआ, 27 एम्पियर। आधे चक्कर के लिए धारा का मान निम्न से धारा द्वारा क्या जाता है, 4.18 एम्पियर से। ज्वाक्रिय सप्लाई जिसका चर मान 100 वोल्ट है तो उसका RMS मान कितना होगा, 100√2 होगा। E इज इक्वल टू 200 साइन 314 T की प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है तो जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितना होगी, 10 एम्पीयर होगी। दो प्रत्यावर्ती परिमाण डैश विधि से जोड़े जाते हैं, सदिश विधि से जोड़े जाते हैं आपके। चित्र में दर्शाए गए संबंधित निम्न में से कौन सा वक्र सही है, सभी आरेख AC दर्शाते हैं। AC को डैश द्वारा आसानी से घटाया बढ़ा जा सकता है ट्रांसफॉर्मर से, क्यों, ट्रांसफॉर्मर है जिसको AC से हम घटा और बढ़ा सकते हैं, जिसे अप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक डैश होता है इकाई होता है, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक डैश होता है शून्य, क्या होता है, शून्य। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य, पश्चगामी अग्रगामी इकाई, तो इसमें क्या होगा, शून्य होगा आपका। RLC परिपथ जिसका शक्ति गुणांक XL ग्रेटर देन है XC से हो तो इसका डैश होगा पश्चगामी अग्रगामी शून्य इकाई, तो इसमें होगा पश्चगामी। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा कितनी होती है, 90 डिग्री पश्चगामी होगी या 90 डिग्री अग्रगामी होगी या फेज में होगी या वोल्टेज के साथ कोण बनाएगी, इसमें 90 डिग्री पश्चगामी होगी आपकी। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज 90 डिग्री से पश्चगामी होती है, 90 डिग्री से अग्रगामी होगी, फेज में होगी या वोल्टेज के साथ कोई भी कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री से पश्चगामी होगी। शक्ति गुणांक इक्वल किसके होता है, आर अपॉन जेड के। निम्न से कौन सा कथन सही है, किलोवाट इज इक्वल टू KVA cos phi होता है। DC परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है,
ओमेगा इक्वल टू वी एल होता है, डब्ल्यू इक्वल टू वी साइन फाई होता है, के डब्ल्यू इक्वल टू के वी कोस फाई होता है, या डी के डब्ल्यू इक्वल टू के वी साइन फाई। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई होता है आपका। डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही होगा। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, कोई प्रभाव नहीं। इसमें क्या होगा, घटेगा। आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का साधितर प्रतिघात क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या रहेगा, घटेगा। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा दुगनी हो जाएगी। 100 सी पर सेकंड की आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटिव धारा 20 ओम 5 ओम का रिएक्टिव लगा जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 50 सेकंड कूलम पर सेकंड हो जाती है तो रिएक्टेंस डैश होगा कितना, 50 ओम होगा। परिपथ में थीटा गुणांक क्या होता है, एक्सी अपॉन में जड के बराबर होता है। 0.6 शक्ति गुणांक का प्रसगामी एक एसी परिपथ का इनपुट 10 केवी है तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में डैश में होगी 6 होगी, 6 12 8 या 60, इसमें क्या होगा, 6 होगी आपकी। किसी एसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 किलोवाट एम्पीयर है तो रिएक्टिव शक्ति 20 केवीआर है तो परिपथ में वास्तविक शक्ति डैश कितनी होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। रिएक्टिव पावर की यूनिट कितनी होती है, वीएआर होती है। एक आरएलसी परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 60 ओम है तो परिणाम परिपथ का इंपीडेंस क्या होगा, 10 ओम, 20 ओम, 8 ओम या 14 ओम, इसमें क्या होगा, 10 ओम होगा। 0.5 H के इंडक्टेंस वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, 15.7 ओम होगा, 157 ओम होगा या 314 ओम होगा या 0.314 ओम होगा, तो इसमें 157 ओम होगा। 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल 250 वोल्ट या 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है तो कॉइल का शक्ति गुणांक क्या होगा, 0.8 होगा। समांतर परिपथ की दो शाखाएं I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा डैश होगी कितनी होगी, I1 और I2 एक सदिश योग होगा। शाखा का कंडक्टेंस G डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है I अपॉन R से, R अपॉन Z से, Z स्क्वायर अपॉन R से या I अपॉन X, 1 अपॉन X से, इसमें क्या होगा, 1 अपॉन R से होगा आपका। शाखा का स्पेक्ट्रम भी डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है 1 अपॉन X से, R अपॉन Z से, एक्सएल अपॉन जेड का स्क्वायर से, के सी अपॉन जेड का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स से होगा आपका। दिए गए चित्रों में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा डैश होगी 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 4 एम्पियर तो 1 एम्पियर, इसमें क्या हुआ, 7 एम्पियर। दिए गए चित्रों में दर्शाए गई धारा की कुल शक्ति डैश होती है वी आई कोस फाई होता है, वी आई कोस फाई स्क्वायर होता है, वी आई कोस फाई होता है या वी आई 1 कोस फाई 1 प्लस वी आई का स्क्वायर कोस फाई का स्क्वायर, इसमें क्या हुआ, सी आंसर होगा, वी आई कोस फाई होगा। परिपथ के कुल इंडिमिटेंस की गणना डैश सूत्र द्वारा की जा सकती है G1 प्लस G2 से या G2 प्लस B2 का होल स्क्वायर से, G1 2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अंडर रूट से, G1 G2 2 का स्क्वायर प्लस B1 B2 का स्क्वायर अंडर रूट से, तो इसका B होगा अंडर रूट G का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। V वोल्टेज सप्लाई द्वारा तीन शाखाएं समांतर से जुड़ी तो कौन सा परिणाम समान होगा, प्रत्येक शाखा में धारा होगी, प्रत्येक शाखा में शक्ति गुणांक होगा या प्रत्येक शाखा का फेज अंतर होगा या प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज, इसमें प्रत्येक शाखा क्या होगी आपकी, वोल्टेज होगी। दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग या विद्युतीय विस्थापन डैश द्वारा होता है 180 डिग्री से, 120 डिग्री से, 90 या 60 से, में कितना, 90 डिग्री से। तीन फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना आते 180, 120, 90, 30 में 120 होगा आपका। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट की मशीन की रेटिंग कितनी होती है, बढ़ती है आपकी, बढ़ती है, घटती समान रहती है, इसमें बढ़ेगी आपकी। सिंगल फेज संचरणा की तुलना में तीन फेज संचरण की दक्षता होती है अधिक, कम, समान या कहा नहीं जा सकता, इसमें अधिक होगी।
बहुफेजीय मोटर डैश कम होती हैं, स्वतः स्टार्ट नहीं होती, स्वतः स्टार्ट होती है एक्सलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, मेन वाइंडिंग की आवश्यकता इसमें एक्सलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तीन फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में तीन फेज अल्टरनेटर तुल्यांकन सिंक्रोनस समांतर ऑपरेशन क्या होता है, सरल होता है, मुश्किल होता है, समान ही होता है, इनमें से कोई नहीं, इसमें क्या होता है, सरल होता है। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचरण की तुलना में तीन फेज संचरण की तांबा शक्ति क्या होती है, कम होती है। थ्री फेज मोटर की तुलना में वन फेज मोटर का शक्ति गुणांक अधिक होता है, कम होता है, समान होता बदलता है, जिसमें कम होता है। सिंगल फेज संचरण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचरण प्रणाली क्या होती है, अधिक निर्भर योग्य होती है, निर्भर योग्य नहीं होती, निर्भर योग्य होती है, इसके समान अत्यधिक निर्भर योग्य होती है। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आर वाई बी द्वारा, रेड येलो ब्लू द्वारा। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं, किसमें एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से या वाइंडिंग के सिरे के एक जंक्शन पर जुड़ते हैं, या एक वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से, दो वाइंडिंग के पहले सिरे तीसरे वाइंडिंग, इसमें क्या होता है, स्टार में वाइंडिंग के एक जंक्शन पर जुड़ते हैं सारे के सारे। डेल्टा कनेक्शन में वाइंडिंग में टर्मिनल जोड़े जाते हैं, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। जो स्टार जोड़ में क्या होता है, वी एल इक्वल होता है रूट थ्री वी पी एच के, स्टार जोड़ में क्या होता है, आई एल इक्वल टू आई पी एच के बराबर होता है। डेल्टा जोड़ में क्या होता है, वी एल इक्वल टू वी पी एच के बराबर होगा। डेल्टा जोड़ में क्या होगा, आई एल इक्वल टू अंडर रूट आई पी एच के होगा नीचे। थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है, रूट थ्री वी एल आई एल कोस फाइव से। स्टार जोड़ में तीन समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धार होगी डैशी शून्य होगी। थ्री फाइव डेल्टा कनेक्ट लोड द्वारा लिया गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, तो प्रत्येक फेज की धारा डैश होगी 10 अपॉन में रूट थ्री एम्पियर होगी। एक संतुलित जोड़ और एक असंतुलित लाइटिंग लोड थ्री फाइव और फोर वायर की सप्लाई प्रणाली से जुड़ी है, तो इस प्रणाली में क्या होगा, न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले सकती। 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की अवधि काल कितना होता है, 0.2 मिली सेकेंड होता है आपका। चित्र में दर्शाए गए तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आपकी 10 हर्ट्ज होती है। चित्र में दर्शाए गए तरंग का प्रभावी मान क्या होता है, 380 वोल्ट होता है। वोल्टेज का सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है कितनी लैगिंग में होती है, एक श्रेणी आर एल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात 12 ओम है, तो इसकी प्रतिबंध इंपीडेंस कितनी होगी, 13 ओम होगी। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या आता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर के बराबर होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है फ्रीक्वेंसी की व्युत्क्रमानुपाति के। 16 पिको फैराड मान प्रत्येक के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उनकी धारिता होगी कितनी, 8 पिको फैराड, 4 पिको फैराड या 14 पिको फैराड या 16 पिको, इसमें क्या होगी आपकी, 8 पिको फैराड। कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज के आगे चलती है, धारा वोल्टेज के पीछे चलती है, धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है, वोल्टेज धारा में आगे बढ़ती है, इसमें धारा वोल्टेज से आगे चलती है कैपेसिटिव एसी परिपथ में। यदि पी टी इक्वल टू वास्तविक शक्ति तथा पी ए इक्वल टू आभासी शक्ति हो, तो शक्ति घटक में पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा, तो पी एफ इक्वल टू होता है वास्तविक शक्ति अपॉन में आभासी शक्ति। निम्न से कौन सा एक संबंध सही है, जबकि पी ए इक्वल है आभासी शक्ति, पी टी इक्वल है वास्तविक शक्ति और पी आर इक्वल टू प्रतिघाती शक्ति, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, पी ए इक्वल टू रूट पी वन का स्क्वेयर प्लस पी आर पी टू का स्क्वेयर। एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। इसी धारा की समय विधि 0.02 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी आपकी। एक आवृत्ति फ्रेम में 30 वोल्ट 500 वाट लिखा है, तो 230 वोल्ट प्रदर्शित करता आरएमएस मान को। फॉर्म फैक्टर का अनुमान होता है औसत मान तथा आरएमएस मान के, आरएमएस मान तथा औसत मान का अधिकतम मान तथा औसत मान का अधिकतम मान तथा आरएमएस मान, इसमें क्या होगा, बी होगा आपका आरएमएस मान तथा औसत मान का।
शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए में से कौन सा कथन सही है? पावर फैक्टर का मान एक है। जब XL XC के बराबर हो तो Z इक्वल होता है R के। कैपेसिटिव प्रतिघट XC की आवृत्ति बढ़ने पर घटता है। एक स्टार संयोजित बार की फेज धारा 100 एम्पीयर है तो लाइन धारा का मान क्या होगा? 100 होगा। AC संकेत का RMS मान 10 वोल्ट है तो इसके चरम मान क्या होगा? 14.14 वोल्ट होता है। साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर निम्न से समतुल्य कितना है? IMS अपॉन में IAV। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए क्या? अनंत आंतरिक प्रतिरोध। उच्च आवृत्ति का प्रेरक का प्रतिघात मान कितना था? घट जाता है, बढ़ जाता है, वैसा ही रहता है, वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, इसमें बढ़ जाता है। एक आदर्श धारा स्रोत का डैश होता है शून्य आंतरिक चालकता, आंतरिक प्रतिरोध शून्य पर वोल्टता या उम्र का, इसमें क्या होता है? आंतरिक चालकता। अच्छे शौचालय की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और शौचालय के पदार्थ पर निर्भर करता है। चित्रकला स्टार संयोजनों की वोल्टता में नीचे गणित कितनी होती है? काला वोल्टता था √3, काला वोल्टता होता है 1/√3 काला, काला वोल्टता या 3 काला वोल्टता, इसमें क्या था? √3 काला वोल्टता। यदि 5 mH, 4.3 mH और 0.6 mH के 3 प्रेरित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रेरित्र कितना? 9.9 mH। इम्पेंडेंस ट्रिगल बनता है द्वारा इम्पेंडेंस के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है डाटा कनेक्शन या स्टार कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट कनेक्शन, ओपन कनेक्शन, तो इसमें डाटा कनेक्शन होता है डेल्टा। आदर्श वोल्टेज का स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है शून्य या अनंत या सिद्धिर या 100 ओम, तो इसमें क्या होगा? शून्य। अनुकंपन घटित होने के लिए इनमें से किस घटक का होना आवश्यक होता है? बी और सी का, यानी कि एल और सी। जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित किया जाता है तब धारा और वोल्टेज क्या होते हैं? लोड करती हैं, इन फेज करती हैं, लैग करती है, फेज इनमें से लोड करती हैं। जब विद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा की संचरित ट्रांसमिटेड किया जाता है तो संचरण ट्रांसमिटर की क्षमता बढ़ जाती है, दोनों की पावर फैक्टर वोल्टेज पर बढ़ जाता है इनका। परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ को किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? संधारित्र पर, प्रतिरोध पर, प्रेरक पर, इनमें से कोई नहीं, संधारित्र पर, कैपेसिटर पर। डीसी सर्किट का सभी रूल एवं लॉ एसी सर्किट के लिए लागू होगा। जब एसी सर्किट धारण किया गया होगा तो सभी प्रतिरोध केवल इंडक्टेंस केवल संधारित्र केवल प्रतिरोध केवल रहेगा। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या हुआ? चालक अनुपात में होंगे, दोनों चालकों की बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक और एक दूसरे के आकर्षित करेंगे या चालक एक दूसरे के आकर्षित करेंगे, जिसमें क्या करेंगे? चालक एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। आरसी सर्किट का शक्ति गुणांक होता है अगर पश्चात एकक शून्य, तो अगर होता है इसमें। कला आपूर्ति तंत्र में कलाओं का मध्य कोणीय विस्थापन कितना होता है? 120 डिग्री इलेक्ट्रॉन होता है। एसी परिपथ में शक्ति केवल वेव होती है, प्रेरित्र पर प्रतिरोध पर आधारित है, या सभी पर प्रतिरोध पे। 2.2 वोल्ट एसी परिपथ शिखर वोल्टता कितनी होगी? 1.2 सीवी 2 होगी आपकी, 1.4। ये दो प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जुड़े होते हैं? बीजगणितीय से, आरेखीय से, सदिश से, ज्योतिषीय में सदिश राशि से जुड़े होते हैं आपके परिणाम। आरएलसी परिपथ में एक्सएल लेस देन है किसके? एक्सी से, कि वोल्टता वोल्टेज से होती है, पश्चगामी अग्रगामी शून्य या इकाई, इसमें अग्रगामी होगी। पावर इज इक्वल टू √3 VI cos phi है, तो यह सूत्र 3 फेज परिपथ में लागू होता है जब यह परिपथ क्या हुआ? दोनों कनेक्शन में हुआ, स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों कनेक्शन है, तब यहाँ पर लागू हुआ। RL परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है, तो इसका इंपीडेंस क्या हुआ? 10 ओम होगा। एसी परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है। अधिष्ठापन इंडक्शन की इकाई क्या होती है? वेपर होती है, वेपर पर मीटर स्क्वायर होती है, एम्पीयर टर्न होती है, हेनरी होती है, इसमें क्या होगी? हेनरी इकाई होती है इंडक्शन की।
एक साधी तरंग के कैपेसिटर की ऊर्जा को डैश में सूचित किया जाता है विद्युत क्षेत्र में। एक उपभोक्ता के लिए सामान्य डैश से सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक होता है 0.95 पश्चवर्ती। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई शून्य अनंत 0.707 कितना होता है? शून्य होता है विशुद्ध प्रेरक का। तीन फेज इन्वर्टर का प्रचालन विधि क्या था? 120 डिग्री या 64, 240 या 300 इसमें 120 डिग्री। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का R 40 ओम है, XL 90 डिग्री ओम है और HC 60 ओम है, तो यदि यह सभी श्रेणी में प्रतिवाद जड है तो जड इंपेडेंस क्या होगी आपकी? 50 ओम होगा आपका। धारा की औसत मान उसके RMS मान से सदैव डैश होता है, कम होता है। यदि किसी 2 लीटर परिपथ की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई रूट LC होता है। AC के लिए साधितर द्वारा किए दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं? साधितर विरोध। एक साधितर में पावर फैक्टर का मान डैश होता है, शून्य लीडिंग होता है। PVC के फुल फॉर्म क्या होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं। यदि एक परमाणु की 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उस द्रव्य को क्या कहते हैं? अवर्तवाहक यानी सेमीकंडक्टर। एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच संबंध क्या होता है? VL इक्वल टू रूट 3 VPH होता है। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या कहा जाता है? ओम, फेराड, हर्ट्ज या फेराड, ओम कहा जाता है। ट्रेगुलर की वेव क्या पीक फैक्टर क्या होता है? 1.73। एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4.4 एम्पीयर धारा लेता है तो कंडेंसर का मान क्या होता है? 50 माइक्रोफैराड होता है। 140 माइक्रोफैराड साधितर को जब 2 वोल्टेज 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तो 0 धारा का मान कितना होगा? 11 एम्पीयर होगा। शुद्ध प्रेरक इंडक्टर वोल्टता और करंट के बीच का फेज अंतर क्या होता है? 90 डिग्री लैग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ AC सर्किट के लिए वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या कहलाती है? सक्रिय पावर। एक्टिव अधिकतम पावर, आभासी पावर या प्रतिवाद, इसमें सक्रिय पावर यानी कि एक्टिव पावर। स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा? 100 एम्पियर। किसी प्रेरित परिपथ इंडक्टिव में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होती है? करंट वोल्टेज से पीछे होती है। अनुवाद आवृत्ति में प्रेरक प्रतिघात का मान किसके मान से समान होगा? साधितर के प्रतिघात से। कौन सा एक समीकरण किसी दोलन का कोणीय आवृत्ति ओमेगा व्यक्त करता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाई में F के बराबर होता है। स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है तो इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? 230 वोल्ट होगा। किसी AC परिपथ में जब एक प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? आपका विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम होगा। AC के मध्य मान तथा AC के शिखर मान में क्या संबंध होता है? 1 = 2I0/π। I = 2I0/π होता है। AC परिपथ की धारा का माप 4 एम्पीयर है तो उस धारा के अधिकतम तात्कालिक परिणाम कितना? 4 × √2 एम्पीयर होगा। एक चौक कुंडली में का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो केवल AC परिपथ में। AC परिपथ में औसत शक्ति व्यय होती है प्रेरकों में, प्रतिरोध में, धारिता में, सभी में, तो प्रतिरोध में। AC परिपथ की औसत शक्ति होती है EV/IV cos φ होती है। शुद्ध AC में RMS का मान शिखर मान का अनुपात कितना होता है? 1/√2 होता है। यह आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। अभी निम्न से कौन सा प्राथमिक यंत्र है? चुंबकीय सुई, मीटर, वोल्टमीटर, KVH मीटर, यानी कि इसमें होता है आपका चुंबकीय सुई होता है प्राथमिक यंत्र। वह यंत्र किसी विद्युत राशि को तत्कालिक मान को एक ग्राफ के पेपर पर अंकित कराता है, रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। वह यंत्र किसी पैराविद्युत राशि के प्रण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता, सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग यंत्र, इनमें से कोई इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है। विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के डैश
पर कार्य करता है। उपरोक्त उष्मीय प्रभाव पर चुंबकीय प्रभाव प्रकाश और सभी पे काम करता आपका फेरा विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर भी उष्मीय प्रभाव पर भी और प्रकाशीय प्रभाव पर भी। किसी विद्युत प्रभाव से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसको डैश कहते हैं। सूचक सेंसर चुंबक या स्केल तो उसको क्या कहते हैं सेंसर। सूचक को शून्य की स्थिति में विपेक्षित करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। विपेक्षित टार्क की नियंत्रण टार्क की डैम्पिंग टार्क की अप्रोच तो इसमें विपेक्षित टार्क नियंत्रण टारक विपेक्षित पारक का डैश करता है विरोध करता है सहयोग करता है दोनों या इसमें विरोध करता है। मूविंग आयरन यंत्र में स्थित रहता है आयरन क्वाइल या सूचक में से कोई नहीं तो इसमें क्या रहता है आपका क्वाइल। निम्न से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है मूविंग क्वाइल यंत्र की मूविंग आयरन यंत्र की या दोनों में से एक होती है मूविंग क्वाइल यंत्र की। गैल्वेनोम मीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में। किसी की शक्ति मापी जाती है V=VI से या W=VI मल्टीप्लाई कोस फाइव से या W=VI साइन फाइव से R=V/I से तो इसमें W=VI कोस फाइव से। ओम मीटर मापता है क्या मापता है धारा विभांतर चालकता या प्रतिरोध मापता है। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होती है कैथोड रिंग ऑसिलोस्कोप क्रिस्टल रिंग ऑसिलोस्कोप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप तो इसमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आएगा जो सीआरओ होता है। तो एक सीआरटी आपकी होती है उसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है केवल एसी फ्रीक्वेंसी केवल डीसी फ्रीक्वेंसी या धारा की गति या केवल एसी की फ्रीक्वेंसी। स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है एनडी करंट अवमंदन विधि। एक पराविद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन के शीघ्र ही अपनी अंतिम विपेक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है तो यदि उसमें उचित अवनंदन उपस्थित हो उसमें अवनंदन उपस्थित ना हो उसमें निम्न अवनंदन उपस्थित या उसमें उच्च अवनंदन उपस्थित उसमें उच्च अवनंदन उपस्थित हो जाए। वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी इस्पात नाइक्रोम यूरेका या फॉस्फर ब्रॉन्ज इसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संचलन सचल धारा को कार्यकर्त घुमाव बल क्या होता है विपेक्षित घुमाव बल होता है नियंत्रक घुमाव बल होता है डैम्पिंग घुमाव बल आते हैं सभी होते हैं तो ये सभी बल होते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र संचालन पर। यदि चल कुंडली तारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संचालनों को अंत कर दिया जाए अनियम बदल कर दिया जाए तो यंत्र क्या हुआ विपरीत दिशा में विपेक्ष दर्शाएगा। डायनोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है केवल डीसी राशियां केवल एसी राशियां केवल पल्सेटिंग एसी राशियां एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की राशियां इसमें के एसी और दोनों प्रकार की राशियां मापी जाती हैं। ओममीटर के उपयोग में लाने से पूर्वक यह आवश्यक है कि उसकी फोर्स को शॉर्ट सर्किट कर ले या उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले या संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर ले तो इसमें क्या रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा आपका। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ डैश कहलाता है शॉर्ट परिपथ खुला परिपथ ग्राउंड परिपथ इनमें से कौन इसमें क्या खुला कहलाएगा अनंत परिपथ खुला परिपथ। एक वोल्ट इकाई डैश के तुल्य होती है 746 वाट घंटे के 764 वाट घंटे के या 1000 वाट घंटे के या 3600 वाट घंटे इसमें क्या 740 वाट घंटे के। वैद्युतिक ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है वोल्ट मापी का धारा मापी वोल्ट मापी धारा मापी स्टॉप वॉच या वॉट मीटर तथा स्टॉप वॉच या एनर्जी मीटर तो क्या है इसमें एनर्जी मीटर। यदि किसी ऊर्जा मापी की शक्ति 1 किलोवाट ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 गुणन करती है तो उसके एक चक्र द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा खपत होगी कितने 20 वाट मिनट होगी या 60 वाट मिनट होगी या 80 वाट मिनट या 20 वाट मिनट। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों
को अंत बदल कर दिया जाए तो क्या हुआ, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी या चकती घूर्णन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, चकती रुक जाएगी, चकती घूर्णन की दिशा घट जाएगी, तो इसमें चकती घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। यदि किसी ऊर्जामापी की चकती बिना लोड संयोजित किए धीमी गति से गतिमान रहती तो यह यंत्र दोष कहलाता आपका क्रिपिंग दोष। ऊर्जा मापी की एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का संयुक्त प्रयोजन कहलाता है जंग लगने को बचाना, क्रिम्पिंग दोष को दूर करना, कर्षण दोष को दूर करना या चकती की धारा को कम करना, इसमें क्या है क्रिम्पिंग दोष को दूर करना। एक किलोवाट आवर मापी यंत्रों को निम्न से किस वर्ग में रखा जाता है, इपेक्षक में, रिकॉर्डिंग में, इंटीग्रेटिंग में या इंडिकेटिंग में, तो इंटीग्रेटिंग में। वाट मीटर का वर्गीकरण डैश के रूप में किया जाता है, विपेक्षी उपकरण में, रिकॉर्डिंग यंत्र में, सूचक यंत्र में, समूल्य यंत्र में, जिसमें क्या होगा आपका मापक। वाट मीटर किसमें किया जाता है, विपेक्षी उपकरण में। विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डैश कहलाते हैं आइग्रोमीटर, माइक्रोमीटर, मापन यंत्र या स्फेरोमीटर, इसमें मापन यंत्र होते हैं आपके। वोल्ट मीटर के परिपथ में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या मिक्सित इसमें समांतर क्रम। वोल्ट मीटर जो आपका होता है समांतर क्रम में जुड़ेगा आपका। विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर क्या होता है, किलोवाट आवर मीटर होता है, टैकोमीटर होता है, एमीटर होता है, वाट मीटर होता है, एमीटर। परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। जो परिपथ का विभवांतर मापे है उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है वोल्टमीटर, एमीटर, टैकोमीटर, हाइग्रोमीटर, समेत एमीटर। उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है किलोवाट आवर मीटर। मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इपेक्षक टार्क होता है, नियंत्रक टार्क होता है, डैम्पिंग टार्क या प्रोक्त सभी रहेगा आपका प्रोक्त सभी। विपेक्षक टारक को डैश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है ग्रेविटी नियंत्रण, स्प्रिंग नियंत्रण, वायु घर्षण और चुंबकीय, इसमें चुंबकीय द्वारा विपेक्षक टारक को उत्पन्न किया जा सकता है। नियंत्रण टारक को डैश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है विद्युत स्थितीय द्वारा, तरल घर्षण द्वारा, हैबर स्प्रिंग का प्रयोग करके या तापीय विधि द्वारा, तो इसमें हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके। डैम्पिंग टार्क को डैश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है एडी करंट या ग्रेविटी नियंत्रण या विद्युत स्थितिकीय या तापीय, जिसमें एडी करंट के द्वारा। विपेक्षक टार्क के उत्पन्न के लिए डैश में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है वाट, वोल्ट मीटर का, एमीटर का या वाट मीटर का या ऊर्जा मीटर, इसमें तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। डैश में विपेक्षक टार्क उत्पन्न करने के लिए उसमें प्रभाव का डैश का उपयोग किया जाता है एमीटर का। एम्पीयर घंटा, एमीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है एम्पीयर घंटा, एमीटर का। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर डैश होता है संग्रह। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टार्क क्या होता है, समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता। नियंत्रक टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि क्या होती है, प्राय प्रयोग होती है, कभी कभी प्रयोग होते हैं, हमेशा प्रयोग होते, कभी भी प्रयोग नहीं होता, इसमें प्राय प्रयोग होता है। स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ क्या होते हैं, क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ हैं, ये देखने में सुंदर होते हैं, ये सरल नहीं होते, तापमान में प्रभावित नहीं होती, फैटिंग का असर नहीं होता है, तो तापमान से प्रभावित नहीं होती। ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष क्या होता है, इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है, यह बारी बार में हल्की होती है, यह स्केल एक समान मोटी होती है, एक आकार में बड़ा होता है, तो इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए डैश द्वारा डैम्पिंग टारक का उत्पन्न किया जाता है एडी करंट का, रासायनिक प्रभाव का, वैद्युतिक स्थितिक प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का। मूविंग आयरन यंत्र में डैश होते हैं आकर्षण प्रकार के, विकर्षण प्रकार के, आकर्षण और विकर्षण प्रकार के या डायनमोमीटर प्रकार के, तो आकर्षण और विकर्षण प्रकार के। मूविंग कोयल यंत्र क्या होते हैं, स्थायी चुंबक और डायनमोमीटर प्रकार के होते हैं। मूविंग कोयल यंत्र डैश पर प्रयोग किए जा सकते हैं एसी और डीसी दोनों पर, केवल डीसी पर, केवल एसी पर, अर्ध तरंग परिभाषित एसी पर, एसी और डीसी दोनों पर।
मूविंग कोयल स्थायी चुंबकीय यंत्र डैश में प्रयोग किया जा सकता है केवल डीसी में। एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्रों की लागत क्या होती है? कम होती है। जो एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्रों की लागत क्या होगी? कम होगी। एमसी यंत्रों की शुद्धता एमआई यंत्रों की तुलना में अधिक होती है, समान होती है, कम होती है, बदलती है, तो इसमें क्या होगा आपकी? अधिक होती है। एमसी यंत्र मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं, दोनों तीनों गुणों में मौजूद होते हैं, उपयोग दोनों गुणों में मौजूद होते हैं, मजबूत और शुद्ध। एमसी यंत्रों की तुलना एमएल यंत्रों की तुलना की खपत अधिक होती है। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एमीटर कोयल के साथ समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ें। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वोल्ट मीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी। डैश द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए डैश गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा मापन के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। वोल्ट मीटर की तुलना में एमीटर की लागत क्या होती है? कम होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एम वन टाइप का है, एम सी टाइप का है? तो उपरोक्त स्केल के प्रकार से, टर्मिनल के मार्किंग से, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा, तो इसमें उपरोक्त सभी से पहचाने हैं। परिपथ की शक्ति मापन के लिए प्रयुक्त मीटर क्या था? किलोवाट आवर मीटर होता है, वाट मीटर होता है, मीटर या वोल्ट मीटर, तो इसमें वाट मीटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को मापने वाला मीटर डैश कहलाता है, किलोवाट आवर मीटर, या स्फेरोमीटर या टैकोमीटर या वाट मीटर, तो इसमें किलोवाट आवर मीटर आपका। डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर डैश पर प्रयुक्त होते हैं, केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, अर्थ तरंग प्रयोग साधित एसी पर, एसी और डीसी दोनों पर। प्राय उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर डैश के होते हैं, डायनेमोमीटर प्रकार के, रासायनिक प्रकार के, इंडक्शन प्रकार के, अचल कुंडली प्रकार के, इसमें इंडक्शन प्रकार के होते हैं। किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर डैश के होते हैं, एम्पियर घंटा प्रकार का, इंडक्शन प्रकार का, विद्युत स्थैतिक प्रकार का, डायनेमोमीटर प्रकार का, तो एम्पियर घंटा प्रकार का। ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक डैश द्वारा किया जाता है, रिएक्टेंस अपॉन में किलोवाट आवर द्वारा। सिंगल फेज मोटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या होती हैं? अभिलेख यंत्रावली होती है, प्रचालन यंत्रावली होती है, यंत्रावली, तो इसमें क्या होगा प्रोक्त? सभी होगा आपका। दाब कुंडली डैश की बनी होती है महीन वायर की अधिक प्लेटों की संख्या से, या महीन वायर की प्लेटों की कम संख्या से, या मोटी वायर की लपेटों की कम संख्या से, या मोटी वायर की अधिक प्लेटों की संख्या से, इसमें क्या होता है? महीन वायर की अधिक प्लेटों की संख्या से। ऊर्जा मीटर की गति डैश द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, संट चुंबक द्वारा, ब्रेकिंग चुंबक द्वारा, बारी चुंबक या श्रेणी चुंबक, इसमें क्या है? ब्रेकिंग चुंबक द्वारा। मेकर का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हम मेकर का प्रयोग करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मेकर का प्रयोग डैश मापने के लिए क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध जब मापना तब हम मेकर का प्रयोग करते हैं। मेकर की गति डैश पर रखी जाती है 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 140 आरपीएम या 160 आरपीएम, तो 160 आरपीएम पर मेकर की गति रखी जाती है। 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेकर वोल्टेज डैश होनी चाहिए, 500 वोल्ट होनी चाहिए। आईई नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए, 50 मेगा ओम अपॉन में निर्गमों की संख्या से। मेकर पर विद्युत स्थिति का परीक्षण करने पर मेकर की रीडिंग अनंत है या दर्शाता है हीटिंग एलिमेंट का शॉर्ट सर्किट, सप्लाई टर्मिनल का शॉर्ट सर्किट, या टर्मिनल के डीले कनेक्शन पर, या शॉर्ट सर्किट के खुला परिपथ, तो इसमें हीटिंग एलिमेंट के खुला परिपथ। एक विद्युत कैटली के अर्थ दोष की परीक्षण का मेकर का रीडिंग शून्य है या दर्शाता है शरीर में छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल से। एक व्यक्ति 500 वोल्ट मेकर के दोनों टर्मिनल को पकड़े है तो, परंतु डैश के कारण फिर से सुरक्षित है, बहुत कम धारा के कारण। मल्टीमीटर डैश को मापता है प्रतिरोध को, धारा को, वोल्टेज को और उपयुक्त सभी को, उपयुक्त सभी को मल्टीमीटर मापता है। डैश मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, एसी तथा डीसी के दोनों परिमाणों मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं।
एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचलित वोल्टेज कितनी होती है? 9 वोल्ट डीसी, जो आपकी 9 वोल्ट डीसी की बैटरी आती है जो छोटी होती है, उस मल्टीमीटर चलाने के लिए इतनी वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता होती है हमारे को। एसी वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है, यदि प्रतिरोध मापना होता आवश्यक होगा, एक लीड को दूसरी जैकेट पर बदलना, दोनों लीडों को दूसरी जैकेट को बदलना, एक लीड अभिनिष्ट रखी जाती है और दूसरी जैकेट को बदल दी जाती है। कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है? इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का। अर्थ का इंसुलेशन का प्रतिरोध डैश के द्वारा मापा जाता है, स्टोन ब्रिज द्वारा, मल्टीमीटर वोल्टमीटर द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा, मेकर द्वारा, तो मेकर द्वारा। यदि मल्टीमीटर को बैटरी कमजोर हो तो क्या हो जाएगा? कम रीडिंग देगा आपका। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है क्या कहलाता है? रीडिंग यंत्र। कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है? इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का, डिजिटल प्रकार का, सूचक प्रकार, में से कोई नहीं। इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील होता है आपका। अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध डैश के द्वारा मापा जाता है, स्टोन ब्रिज, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर या मेकर, मेकर द्वारा आपका इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है, अर्थ इंसुलेशन का। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो तो क्या करेंगे? वो कम रीडिंग देगा आपका। शुद्ध रीडिंग तो देगा नहीं, ना अधिक रीडिंग देगा, कोई रीडिंग नहीं देगा, इसमें तो क्या है? कम रीडिंग देगा। जब भी आपकी मल्टीमीटर से रीडिंग कम आ जाने लगे तो आप उसकी बैटरी वगैरह चेंज कर दे जो 9 वोल्ट डीसी की लगी होती है। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित कर कहलाता है क्या? था सूचक, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग यंत्र होता आपका। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र विद्युत धारा के डैश पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, प्रकाशीय प्रभाव पर, सभी पर आपका काम करता है वैद्युतिक मापक यंत्र। किसी वैद्युतिक प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र है जो युक्ति में लगी रहती होती है उसे डैश कहते हैं, सेंसर। इनमें से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? मूविंग कॉइल यंत्र की। मूविंग कॉइल यंत्र क्या, मूविंग आयरन यंत्र क्या, दोनों की समान होती है, इनमें से कोई मूविंग कॉइल यंत्र की होती है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, या निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, या उच्च प्रतिरोध को समांतर, इसमें उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मेकर की रीडिंग होती है किलो ओम होती है, मेगा ओम में होती है, डेका ओम में होती है, मिली ओम में होती है, मेगा ओम में होती है। फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता? फ्रीक्वेंसी मीटर से किस को अंतर नहीं पढ़ सकता? तो 1/2 चक्कर से कम होता। यदि किसी एसी या डीसी के तरंग आवृत्ति पर पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं सीआरओ का, जो एक आप सीआरओ होता है उसकी डीसी रेसी के तरंग आकृति होती है, उसको हम किस पे देखते हैं? सीआरओ पर। सीआरओ की फुल फॉर्म क्या थी? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, जो असमान ध्रुव होंगे तभी वो आपस में क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। यदि विपरीत ध्रुव होंगे तो विकर्षण करेंगे एक दूसरे से। नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेकर का प्रयोग किया जाता है आपका। EMF जनरेट किया जा सकता है किसके द्वारा? रासायनिक परिवर्तन द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने से, इन सभी से हो सकता है आपका EMF जनरेट किया जा सकता है आपका। वाट मीटर क्या होता है? किसी वैद्युतिक परिपथ के शक्ति व्यव को मापने वाला यंत्र। वाट मीटर विद्युत धारा की राशि को बताता है, वाट मीटर विद्युत राशि के परिमाण को बताता है, सभी। तो इसमें क्या रहेगा आपका? किसी वैद्युतिक परिपथ के शक्ति के व्यव को मापने वाला यंत्र होता है वाट मीटर। मीटरों पर लगने वाले टार्क क्या होते हैं? डिफ्लेक्टिंग टार्क होते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल होते हैं, CAB दोनों होते हैं, इसमें इसमें होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है आपका। आदर्श एमीटर को प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होता है। जो आदर्श एक एमीटर होता है, आइडियल एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य।
माप यंत्र की सुग्रीयता क्या होती है? आउटपुट के परिणाम में परिवर्तन का इनपुट के परिणाम में संगत परिवर्तन में अनुपात होता है। निम्नलिखित में से किस युक्ति युक्तियों दो प्रजमा प्लस और घटा का निशान चिन्हित करते हैं? इनमें से सभी एमीटर पे भी होता है, वोल्टमीटर पर, बैटरी पर भी। धारिता का मान मापने के लिए से किस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्या वो मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आभासी अधिष्ठापन पर, श्रृंखला गुंज पर, आत्म अधिष्ठापन पर या समांतर गुंज पर। इसमें श्रृंखला गुंज होती है आपकी। एक एनर्जी एमिटर की क्रीपिंग का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक घर्षण होता है उसमें। डैश पीजो विद्युतीय इलेक्ट्रिक सामग्री का एक उदाहरण है, क्या? क्वार्टज उदाहरण है। वोल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता? प्रतिरोध, क्षमता, वोल्टता, धारा या आवर्ती। तो इसमें आवर्ति। इंडक्शन मीटर कितनी धारा का संचालन कर सकता है? 100 एम्पीयर तक की धारा का संचालन कर सकता है इंडक्शन मीटर। निम्न से प्रतिरोध की सटीकता से किसके द्वारा मापा जा सकता है? मेन ब्रिज द्वारा, केल्विन ब्रिज द्वारा, हीटस्टोन ब्रिज या स्क्रीन ब्रिज। तो इसमें केल्विन ब्रिज होता है। वोल्ट मीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टीप्लायर प्रतिरोध का, शंट का, कैपेसिटर का। तो इसमें मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का। पीजोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है संरचनाओं की व्याकृति, अति निम्न दाब या अति उच्च दाब या शंट प्रतिघात। इसमें अति उच्च दाब होता है। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या होती है? हॉट रोल्ड अवस्थित स्टील या कास्ट स्टील या कूल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील। तो यह होता है आपका सी आंसर। विस्फोटन क्रीपिंग की परिघटना इसमें से क्या होती है? एमीटर की, वोल्टमीटर की, वाटमीटर की, वाट आवर मीटर की। इसमें क्या होती है? वाट आवर मीटर की। एमीटर एक डैश होता है, सेकेंडरी उपकरण होता है। एक एमीटर में संट का कार्य क्या होता है? करंट को गुजारना एक एमीटर संट का कार्य होता है। MI प्रकार के उपकरण में कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? MI प्रकार के उपकरण में प्रकार का लघुगणक में पैमाना का, रैखिक पैमाना का, आरेखिक पैमाना का, घातीय पैमाने में आरेखिक पैमाना का। PMMC मीटर डैश में लगाया जाता है, मल्टी मीटर में। गैस्केट के गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तेल रिसना, भूसंपर्क की ओर उत्पन्न या लेमिनेशन को गुजरना, तो तेल रिसना होता है। यदि नापी जाने वाली धारा का मान का अनुमान न हो तो मापन डैश प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी माप सीमा पर, उच्चतम माप सीमा पर, मध्य सीमा पर, न्यूनतम उच्चतम माप सीमा पर। ऊर्जा मीटर के द्वारा क्वाइल में तांबे से बनी रीडिंग रिंग किस लिए लगाई जाती है? ऊर्जा को घटाने बढ़ाने के लिए। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी की जाती है और उसका ध्रुव बल भी दोगुना किया जाता है, तो उसके बीच का सामर्थ्य क्या हुआ? चौगुना बढ़ेगा, चौगुना घटेगा या अपवर्तित रहेगा? किसमें क्या रहेगा आपका? अपवर्तित रहेगा। चुंबक के परिपथ का प्रतिष्ठंभ किस पर निर्भर करता है? कुंडल यानी क्वाइल में स्थित करंट पर, कुंडल की लपेट और ट्रांसफर की संख्या, इन दोनों पर आपका निर्भर करता है। किसी भी PAMCC के उपकरण का बलपूर्ण अनुपात क्या हुआ? ऊंच होता है। एक गतिशील कुंडल वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापता है? केवल DC वोल्टेज को, AC DC रूपांतरण को, केवल AC को, जिसमें केवल DC वोल्टेज को मापता है। चलित लोहे मीटर का परिचालन में से किस पर निर्भर करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है। स्थानीय चुंबक चल कुंडली में उपकरण में से किसे पढ़ सकेगा? केवल DC मापन को पढ़ सकेगा स्थानीय चुंबक कुंडली उपकरण। इनमें से कौन सा मीटर समकालीन प्रकार का मापक यंत्र है? एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, वाटमीटर या एनर्जी मीटर। एक एनर्जी मीटर होता है जो समकालीन का मापन करता है। यदि आपको केवल डीसी का मापन करना है तो आप कौन सा उपकरण का मीटर का प्रयोग करेंगे? स्थायी चुंबकीय प्रकार के मीटर का। यदि मापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान न हो तो मापन से प्रारंभ क्या करना चाहिए?
उच्चतम माप सीमा होनी चाहिए। सूचक यंत्रों में स्प्रिंगों का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः संकेतक गति के नियंत्रण करने के लिए। विभव मापी मूलत एक है, मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, आसंकन उपकरण या संकेतक उपकरण, तो मापन उपकरण होता है। विक्षेपक बलापूर्ण उत्पन्न किया जाता है चुंबकीय करण द्वारा। वाट घंटा यंत्र किस प्रकार का होता है? इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, इनमें से कौन इंटीग्रेटिंग होता है। इंडक्शन टाइप यंत्र कहाँ प्रयोग करते हैं? एसी, डीसी, एसी दोनों, इनमें से कौन से एसी उपयोग करते हैं। कौन सा अवमंदक सबसे अधिक दक्ष होता है? वायु अवमंदक या द्रव्यमंदक या भंवर अवमंदक, इसमें भंवर धारा मंदक होता है। वोल्टमीटर के मुकाबले फोटो सेंसियोमीटर का अधिक प्रयोग पसंद किया जाता है क्योंकि विभवांतर मापने के कार्य में विभव मापी का प्रतिरोध वोल्टमीटर से कम होता है आपका। गलती से वोल्टमीटर एवं एमीटर जैसे कि चित्र दर्शाया गया है का अवमंद कहलाता है, केवल एमीटर जलेगा। एक वोल्टमीटर का उपयोग कर थर्मोकपल का क्या मापता है? आरएमएस मान, उच्चतम मान, औसत मान, उच्चतम मान के मान को। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध मापन होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए, निम्न या बहुत निम्न या बहुत ऊंच, तो बहुत निम्न होना चाहिए। 3-5-4 वायर परिपथ में शक्ति का मान हेतु उपयोग होता है एक वाल्टमीटर, एक 2 वाल्टमीटर या 3 वाल्टमीटर या 4 वाल्टमीटर, 3 वाल्टमीटर होता है। इनमें से किस उपकरण में एक डिस्क होती है? एमीटर में, वाल्टमीटर में या वोल्टमीटर या ऊर्जा मापी? ऊर्जा मापी में एक डिस्क उपकरण होती है, एक डिस्क होती है जिसमें ऊर्जा मापी है। घरेलू प्रदाय ऊर्जा मापी डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। घरेलू ऊर्जा मापी कैसा होता है? समकालन यंत्र होता है। मेगर में नियंत्रित अगावपूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वाइल द्वारा। मेगर में नियंत्रित किसके द्वारा? क्वाइल द्वारा होता है। पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं? बहुत कम दाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पीजोमीटर का प्रयोग करते हैं। मेगर वह उपकरण है जो मापता है क्या? किसी कुंडली की क्वाइल का, किसी कुंडली का प्रेरण अत्यधिक निम्न प्रबल प्रतिबल या विलक्षण प्रतिबल। इसमें लक्षण प्रतिबल सीआरओ से सीधे नहीं मापा जा सकता, शक्ति वोल्टेज धारा या वर्ती या शक्ति, शक्ति नहीं माप सकते सीधा। मल्टीमीटर से क्या नहीं माप सकते? आवर्ती धारा, प्रतिरोधक क्षमता या वोल्टता। आवर्ती मल्टीमीटर से नहीं माप सकते, आवर्ती हम सीआरओ से माप सकते हैं। ये आपका चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। डीसी जनरेटर था आपका जो थ्योरी में मैं आपको करवा चुका हूँ कंप्लीट। ये डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है 2। जो डीसी जनरेटर होते हैं फील्ड पोल्स की संख्या 1, 2, 4, 8 कितनी होती है? 2 होती है। डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स बने होते हैं कास्ट स्टील के, मिक्का के, तांबा के, दस्ता के, तो इसमें कास्ट स्टील के बने होते हैं। आर्मेचर कोर के लैमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? एडी धारा क्षति, ताम्र क्षति या यांत्रिक क्षति या उपरोक्त सभी, तो एडी धारा क्षति कम होती है। आर्मेचर में स्लोट क्यों कटे होते हैं? आर्मेचर क्वाइल स्थापित करने के लिए होते हैं। 4 पोल वाले वेव बैंड जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जा सकता है? ब्रश के द्वारा भेजा जा सकता है। डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रभाव की दिशा डैश में हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? पृथक उत्तेजित, स्थायी चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कौन सी स्थायी चुंबकीय होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होता है आपका? डीसी संट जनित्र, डीसी सीरीज जनित्र या डीसी कंपाउंड जनित्र, इनमें से कौन सा डीसी संट जनित्र होता है? जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग में 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो एक एक भाग को श्रेणी क्रम तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता तो वह जनित्र क्या कहलाएगा? डीसी कंपाउंड जनित्र। डीसी कंपाउंड जनित्र विभवांतर बल स्थिर रहता है केवल फुल लोड पर, केवल डीसी नो लोड पर, फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर, तो फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर होता है। लेंथ
लेंथ मशीन किस जनित्र का प्रयोग करती है? डिसीसेंट का, डिसीसीरीज का, डिफेंसिव कंपाउंड का या कुमुलेटिव कंपाउंड का? तो इसमें डी आंसर है, कुमुलेटिव कंपाउंड का। चुंब के पदार्थ के बार बार चुंबकित का विद्युत चुंबकित विचुंबित होने से हुई वैद्युत क्षति कहलाती क्या होता है? हिस्टेरेसिस क्षति। लोह क्षति, यांत्रिक क्षति तथा शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं नियत क्षति। ये जो तीनों की अत्यधिक मिश्रण को क्या कहेंगे हम? नियत क्षति। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रति विभांतर बल की दिशा इंगित कौन करती है? मध्य में उंगली होती है जो विभांतर बल की दिशा को इंगित करेगी आपकी। इनमें से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर विभांतर बल प्रेरित किया जाता है? ताप या रासायनिक स्थिति या गतिज, तो गतिज में होता है। इनमें से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? लेंज के नियम पर, ओम के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, न्यूटन के फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है आपका डीसी जनरेटर। इनमें से कौन सा डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता होती है? आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र, कम्यूटेटर और ब्रश आदि, ये सभी होते हैं जो इसके मौलिक आवश्यकताएं होती है। ऊर्जा का रूपांतरण कौन से कार्य से डीसी जनित्र द्वारा किया जा सकता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। इस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाया हस्त नियम के द्वारा या कार्क स्क्रू नियम के द्वारा, दाया हाथ के अंगूठे नियम, जिसमें फ्लेमिंग का दाया हस्त के नियम के द्वारा। डलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यह सस्ता होता है, यह चुंबकीय पथ पर पूर्ण होता है, सभी होते हैं। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 50 ओम, 500 ओम, 50 ओम, 10 ओम या 1 ओम, तो 1 ओम होता है आर्मेचर प्रतिरोध का मान। कौन सा अचालक पदार्थ कंप्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाता है? तो आपका होता है लकड़ी, रबड़ या संक्रमणीय अभ्रक। तो अभ्रक होता है आपका जो कंप्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाता है। डीसी जनित्र को कंप्यूटेटर का कार्य क्या होता है? वोल्टता को बढ़ाता है, एकादेशी धारा देने की सहायता करता है या अर्ध तरंग के प्रतिरोधक की धारा कार्य करता है या धारा को नियंत्रित रखता है? तो एकादेशी धारा देने की दिशा देने में सहायता करता है। प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए? तो अल्टरनेटिंग करंट होगा आपका। किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? उसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ये नरम होते हैं, यह ल्यूब्रिकेंट होते हैं, प्रयुक्त तीनों के गुण होते हैं, प्रयुक्त तीनों के गुण होते हैं। धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है? 5 एम्पीयर स्क्वायर मीटर होता है। कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी अक्षमता वाले जनरेटरों के लिए होता है? कार्बन का, तांबा कार्बन का मिश्रण का, एल्युमिनियम का या लकड़ी का? तांबा कार्बन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है जनरेटरों की अक्षमता के लिए। निम्न से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होता है? सी आंसर है E = ZNP/60 एम्पीयर। 8 पोल वाले सिप्लेक्स के लैंप बाउंड जनरेटर के पथों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। निम्न से किन तत्वों पर जनरेटर का विभांतर बल पर निर्भर करता है? ध्रुवों की संख्या पर, गति पर, चालकों की संख्या पर, सभी ध्रुवों की सभी पर निर्भर करता है। लैंप वाइंडिंग की तुलना में वेब वाइंडिंग की जनरेटर विभांतर बल क्या होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो तो? अधिक होगा आपका। जनरेटर का विभांतर बल नियंत्रित करने के लिए किसे प्रवर्तित कर सकते हैं? गति और फ्लक्स दोनों को हम क्या कर सकते हैं? प्रवर्तित कर सकते हैं जब भी विभवांतर बल नियंत्रित करना हो। जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण क्या होता है? हैमरिंग और ओवरहीटिंग होने के कारण होता है जो अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। निम्न से किस कमी के कारण जनरेटर विभवांतर बल जनित करने में असमर्थ होता है? इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी एक हो सकता है। इसमें अपशिष्ट चुंबकीय क्षति कम हो गई हो या घूर्णन दिशा गलत हो गई हो या क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो, इनमें से कोई भी हो तो हो गया। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार कौन से होते हैं?
हाइड्रो टर्बाइन चालित, डीजल इंजन चालित या गैस टर्बाइन संचालित, तो उपयुक्त तीनों ध्यान दें। डीसी जनित्र के कौन कौन प्रकार हैं? अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए तो प्रत्येक उत्तेजित जनित्र, स्वित उत्तेजित जनित्र या दोनों, तो दोनों होते हैं आपके। निम्न से किसके कारण से किसी डीसी व स्वित उत्तेजित जनरेटरों का अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है? ओवर हीटिंग से, भारी ओवर लोडिंग से, जनरेटर के लंबे समय तक निष्क्रिय कर रखने से, सभी से। ये जनरेटर बिना अपशिष्ट चुंबकत्व को भी वोल्टता जनित कर सकता है। शंट जनरेटर से, सीरीज जनरेटर से, कंपाउंड जनरेटर से, प्रत्येक उत्तेजित जनरेटर से, तो प्रत्येक उत्तेजित जनरेटर से। क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र प्रत्येक उत्तेजित जनित्र हो? तो प्रत्येक डीसी धारा के वहम स्रोत द्वारा। क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्वत उत्तेजित जनित्र हो? इसकी अपनी धारा द्वारा। स्व उत्तेजित जनित्र का प्रयोग श्रेणी जनरेटर, सेंटर जनरेटर या मिक्स जनरेटर, तो किसमें किया जाता है? सभी में प्रयोग का कार्य किया जाता है इसका, स्व उत्तेजित जनित्र का प्रयोग। सही कथन चुने कौन सा है? सीरीज जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। सीरीज जनित्र को फील्ड वाइंडिंग मोटे तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। सीरीज जनित्र में बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, तो प्रयोग सभी सही है। सही कथन में चुने और सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनित्र को लोड बढ़ाने के लिए जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज घटता है। सीरीज जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है, शक्ति, तो लोग सभी रहेंगे। निम्न से किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? बैटरी चार्जिंग का, घरेलू प्रयोग का, बूस्टर का, लोडिंग का, लोड का, तो बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। सत्य कथन कौन से है? फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर समांतर संयोजित की जाती है। संट जनित्र की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। संट जनित्र को लोड में संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, तो प्रयुक्त सभी होने चाहिए। किस सूत्र के द्वारा डीसी संट जनित्र को आर्मेचर द्वारा ज्ञान होती है? आई ए इक्वल टू होता है आई एल प्लस में आई एस बी। स्पार्किंग रहित कंप्यूटेशन प्रयोग करने के लिए क्या होते हैं? कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए, इंटरपोल्स का प्रयोग करने चाहिए, कैपेसिटिंग वाइंडिंग प्रयोग करने चाहिए, उपयुक्त तीनों विषयों में प्रयोग करने चाहिए, तीनों प्रयोग। डैश जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है। कम्यूटेटिव कंपाउंड जनित्र, शंट जनित्र, सीरीज जनित्र या अंडर कंपाउंड जनित्र, तो इसमें शंट जनित्र होता है आपका। कैसे पुण्य प्राप्त करेंगे कि किसी डीसी संट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए? संट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। कंपाउंड जनित्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग तार और कम लपेट का बनाया जाता है। इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग के दो भागों में व्यक्त हो जाती है। आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जा गया शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट कर बनाया जाता है, उपलब्ध सभी होते हैं। सही कथन कौन सा है? डिफरेंशियल और कंपाउंड जनित्र एवं शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे से विपरीत कार्य करते हैं और आगामी फ्लक्स दोनों का अंतर होता है। ऊपर कंपाउंड जनित्र, लेवल कंपाउंड जनित्र, अंडर कंपाउंड जनित्र के तीन प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और कम्युनिटी कंपाउंड जनित्र के दो प्रकार के उपयुक्त सभी हैं। इनमें से कौन कौन सी अक्षति डीसी जनरेटर में होती है? ताम्र अक्षति, यांत्रिक अक्षति, लोहा अक्षति और उपरोक्त सभी, तो सभी अक्षति दो डीसी जनरेटर में होती है। ये अक्षति लोड के साथ प्रवर्तित होती है, ताम्र अक्षति, ताम्र लोड के साथ प्रवर्तित होती है आपकी। सही सूत्र कौन सा है? यांत्रिक दक्षता इक्वल होता है उपन वैद्युतिक शक्ति अपॉन में इनपुट यांत्रिक शक्ति मल्टीप्लाई में 100%। डीसी जनरेटर की दक्षता होती है क्या? 60-80% तक, 10-30% तक, 85-90% तक, 100% इसमें क्या रह गया कि 85-95% तक। किसके द्वारा जनरेटर की वैद्युतिक दक्षता ज्ञात की जाती है? आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपॉन उत्पन्न यांत्रिक शक्ति मल्टीप्लाई में 100%।
इनमें से किस कारण से जनरेटर को समांतर में चलाया जाता है? सप्लाई की स्थिरता रखता है, जब जैसे आवश्यक हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है, या मरम्मत की सुविधा देता है, फलस्वरूप कम ब्रेक डाउन होते हैं। किस अवस्था में दो जनरेटरों का समांतर में लाया जाता है? दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए, धन धन से जुड़ा होना चाहिए और ऋण ऋण से, यानी पॉजिटिव वोल्टेज से ऋण, नेगेटिव का नेगेटिव से। जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए, इनमें से सभी तीन सभी होने चाहिए आपके। क्या होगा जब समांतर में चल रहे दो जनरेटरों में से एक जनरेटर हटा दिया जाए? तो पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी, दूसरे की धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। डायनेमो का सिद्धांत क्या था? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एम्पियर्स लॉ या ओम्स लॉ, इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लेमिंग का वाम हस्त का प्रयोग जो होता है मीटर पर होता है इसका प्रयोग। यदि एक दिष्ट धारा जनित्र की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित विद्युत शक्ति वाहक बल क्या बढ़ता है? स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी अवशिष्ट जनरेटर की बार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? बढ़ती है। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि इनपुट पावर निम्न हो, आनिया निम्न हो, या पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, या किलो वाट आवर का उपभोग निम्न हो, तो इसमें हानियां निम्न होता। डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड में ध्रुव तथा निश्चय द्वारा अशुद्ध रहते हैं शंकुघात पेंच द्वारा, शंकुघात पेंच के द्वारा। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ से किसके समानुपाती होता? आर्मेचर की चाल के समानुपाती होता आपका ईएमएफ। शंट जनरेटर में सामान्य डैश वोल्टेज बनाना शुरू रुक जा सकता है आयरन की तृप्ति होने पर। डैश यंत्र हिस्टेरेसिस और एडी धारा के दोषों से मुक्त रहता है, स्थिर विद्युत मुक्त रहता है। डीसी मोटर के एकादेशीय अभावपूर्ण से किसकी सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है? कम्प्यूटेटर के द्वारा, कम्प्यूटेटर के द्वारा। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है हानियां घटाकर, हानियां बढ़ाकर, हानियां को स्थिर रखकर, या दक्षता की हानि पर प्रभाव नहीं होता तो हानियां घटाकर। एआरसी वेल्डिंग का प्रयोग होने वाला जनरेटर कौन सा होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। एक डीसी मशीन को विभवांतरक पिंच कुंडली डैश का प्रयोग की जाती है स्पार्किंग को कम करने के लिए, तामर आने को कम करने के लिए, कूलिंग बढ़ाने के लिए, या उपनियम को बढ़ाने के लिए, इसमें तामर आने को कम करने के लिए। एक विलग्लित उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है? क्षेत्र वाइंडिंग के बाहर डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। कम्यूटेटर या सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है क्या? बैकलाइट का, ग्लास का, माइका का, लकड़ी का, माइका का। डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? शंट फील्ड वाइंडिंग की, शंट फील्ड या सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों की, या कंबाइंड फील्ड वाइंडिंग या सीरीज फील्ड वाइंडिंग? तो शंट फील्ड वाइंडिंग। डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। लैंप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे कि वाइंडिंग ठंडी हो जाती है? बॉल बेयरिंग, फैन ब्लेड या लेमिनेटेड कोर या कूलर? तो लेमिनेटेड कोर होती है। डायनेमो का सिद्धांत क्या होता है? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, तो इसमें फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकता का क्या करते हैं? अन्य विकल्पों में से कोई नहीं होता, वोल्टेज का निर्माण करना, धारा का निर्माण करना, आवृत्ति का निर्माण करना, इसमें क्या होता है? वोल्टेज का निर्माण करना। डीसी जनरेटर में लगने से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से। रोटर शाफ्ट को रिपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्य क्या था? बॉल बेयरिंग का। लैंप वाइंडिंग सबसे ज्यादा उपयोगी होती है निम्न वोल्टता निम्न धारा मशीन हेतु, उच्च वोल्टता उच्च धारा मशीन हेतु, निम्न वोल्टता उच्च धारा मशीन हेतु होता है। एक उत्तेजक निम्न से
के अलावा कुछ नहीं होता संट जनरेटर के द्वारा, संट मोटर, श्रेणी मोटर या श्रेणी जनरेटर, तो संट जनरेटर द्वारा। डीसी जनरेटरों में भारी मात्रा विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार की वाइंडिंग की वैधता दी जाती है? लैंप वाइंडिंग की। वाइंडिंग जनरेटर में सामान्यतः होता है लैंप वाइंडिंग होता है। एक पोल दक्षिणा जनरेटर में 1500 आरपीएम पर चलता है तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी? 25, 50 या 100? तो 50 हर्ट्ज होगी। एक दक्षिणा जनरेटर में 8 समांतर परिपथ और धारा के संग्रह करने हेतु 16 ब्रश उपयोग किया गया। यदि प्रति ब्रश का विभव 1 वोल्ट हो तो विभवांतर प्रतिविभवांतर बल्ब में कमी होगी 2 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, 8 वोल्ट की या 16 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट की होगी। ये भी आपका चैप्टर 8 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है डीसी मोटर से। फ्लेमिंग के वायम हस्त नियम में बीच वाली उंगली मध्यमा दर्शाती क्या करती है? बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, प्रोक्षेपित विद्युत धारा की दिशा दिखाती है आपकी बीच वाली उंगली यानी मध्यमा। डीसी मोटर का वह घूमने वाला भाग कौन सा होता है? बॉडी, आर्मेचर, फील्ड पोल या प्रोक्षेपित, इसमें आर्मेचर होता है। डीसी मोटर की लैंप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होगी ये पोल की संख्या के बराबर। डीसी मोटर का ध्रुवीय परिवर्तक कम्यूटेटर बना होता है तांबे का, अपरक का, बैकलाइट का या कास्ट आयरन का? तो तांबे का बना होता है। बैक ईएमएफ की डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ यानी विरोधी या काउंटर ईएमएफ या प्रोक्षेपित प्रोक्षेपी। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से होता है कम। स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? डीसी संट मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर? तो डीसी संट मोटर को। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध में कौन सी क्षति होती है? ताम्र क्षति होती है, लोह क्षति होती है, यांत्रिक इनमें से कौन सी ताम्र क्षति होती है? लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? ताम्र क्षति पर, बहुत धारा क्षति पर या बीसी और दोनों पर, यानी बीसी दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा के रूपांतरण करता है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक में? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है आपकी मोटर। घूर्णन की दिशा डीसी डीसी मोटर किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम के द्वारा। इनमें से कौन सी डीसी मोटर की भौतिक मौलिक आवश्यकताएं होती है? चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर या ब्रश आदि? प्रोक्षेपित उपरोक्त सभी होती है। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए? तो डीसी मोटर डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी। यह मोटर की पुनर्घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, मोटर की घूर्णन दिशा नहीं पड़ेगी या मोटर पर रुक जाएगी? तो यह मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आरोपित विभवांतर बल तथा डीसी मोटर से विभवांतर बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? विभवांतर विरोध करने वाला होता है। करंट की मात्रा को जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है उसे ज्ञात करते हैं। आई ए कुल होता है वी माइनस में ई बी अपॉन में आर ए। डीसी मोटर की बनावट होती है डीसी जनरेटर के समान होती है, डीसी जनरेटर की कोई तुलना नहीं है, डीसी जनरेटर के समान होती है केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। तो इसमें डीसी जनरेटर के समान होती है केवल फ्रेम की बनावट भिन्न होती है। इसमें से कौन इस तथ्य पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, मोटर की गति पर, प्रतिध्रुव लक्ष्य पर या प्रोक्ष सभी पर निर्भर करता है। डीसी मोटर प्रेरित वोल्टेज उपयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, उपयुक्त वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उपयुक्त वोल्टेज में पक्ष में कार्य करता है, उपयुक्त वोल्टेज स्वतंत्र होता है, उपयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? ही इज इक्वल टू बी इक्वल जीरो होता है। 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर विरोधी विभवांतर बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम
मीटर वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा? 40 एम्पियर प्रवाहित होगा। वह शक्ति कैसी जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, मोटर द्वारा ली गई शक्ति या दी गई शक्ति या कुल शक्ति? तो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एन इक्वल टू वी माइनस में आई ए आर ए अपॉन में के फाई होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और वह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तथा कम प्लेट वाली बनाई जाती है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। सभी होते हैं। फील्ड ध्रुव पटर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है? शंट फील्ड से कम होती है। क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए तो मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति ऊंच होती है, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति ऊंच होती है, या लोड बढ़ने सीरीज मोटर टॉर्क बढ़ता है? उपरोक्त सभी होगा। निम्न से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी होती है? कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, या निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है जो इस पर निर्भर होती है लिफ्टों। एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करेंगे? डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करेंगे रेल के इंजन के चालन के लिए। निम्न से कौन सा सही है? शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतने तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है। उपरोक्त सभी होती है। यदि कोई डीसी शंट मोटर या लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी कोई फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर क्या होगी? रुक जाएगी आपकी। किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता? तो कुछ बढ़ जाती है, कुछ घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, अनुपात से बढ़ जाती है तो कुछ घट जाती है। शंट मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड का टॉर्क का क्या कितना गुना होता है? 1.5 गुना होता है आपका। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ा जाए तो घूर्णन गति बढ़ती है, घूर्णन गति घटती है, परिवर्तित रहती है, घूर्णन गति टॉर्क दोनों बढ़ते हैं तो घूर्णन गति घटती है। कौन सी मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? उपरोक्त में से कोई नहीं होती आपकी। किसी भी कंपाउंड मोटर के घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि विशेषताओं में कोई परिवर्तन नया हो? स्रोत टर्मिनल्स के संयोजन परिवर्तित करेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग परिवर्तित करेंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग संयोजन परिवर्तित करेंगे। तो डी होगा आपका, आर्मेचर वाइंडिंग में संयोजन परिवर्तित करेंगे। लोड बढ़ाने के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होगी? सीरीज कंपाउंड मोटर की अपेक्षा कम घटती है, शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क क्या होता है? बी और सी होते हैं दोनों। शंट मोटर से अधिक होता है और सीरीज मोटर से अधिक होता है। शंट मोटर से भी अधिक होगा, सीरीज मोटर से भी अधिक होगा। इस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? डीसी सीरीज मोटर को, फ्लैट कंपाउंड मोटर को, या क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध का प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है सामान्य से अधिक गति के लिए? इनमें से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर मोटर में होती है? लोहक क्षति, तारमा क्षति, यांत्रिक क्षति? इनमें से भी सभी क्षति आपकी डीसी मोटर में होती है। किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? हिस्टेरेसिस क्षति का मान कम रहे, एडी करंट की स्थिति का मान कम रहे, दिखने में सुंदर हो, आर्मेचर का वजन कम रहते। एडी करंट की स्थिति कम होता है ऐसा किया जाता है, लेमिनेटेड का बना जाता है। इस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है, लोहक क्षति प्लस में यांत्रिक क्षति के सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है आपकी। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है? इक्वल यांत्रिक दक्षता,
मल्टीप्लाई में आउटपुट यांत्रिक शक्ति में उत्पन्न अपॉन में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति मल्टीप्लाई में 100%। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? इक्वल ताम्रक्षति और स्थिरांकस्थिति की अक्षति। डीसी मशीन की चालन यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ उत्पन्न क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, दुगना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, इनमें से कोने को दुगना हो जाएगा। क्रेन और होस्ट के लिए किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है? शंट मोटर की, सीएनसी कंपाउंड मोटर की, श्रेणी मोटर की, में से कोने तो श्रेणी मोटर की दी जाती है। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है, होता क्या होता है? न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा क्षमता, न्यूनतम आंतरिक प्रतिरोध या उच्च आंतरिक प्रतिरोध, जिसमें निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। मशीनी औजारों के लिए में से किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है? शंट मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता क्या होगी? 50% से कम होगी। लोड बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, अनुपातित रूप से बढ़ जाएगी, थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी, या कुछ बदलाव होने पर इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी। विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए सूत्र क्या था? 5Z NP/60 A। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? फ्रेम को, शाफ्ट को, स्टेटर को, क्या या कम्यूटेटर को? तो कम्यूटेटर को। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर जल जाएगी, मोटर नहीं चलेगी, तो मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, मोटर उच्च गति से में मोटर नहीं चलेगी, डीसी में अनुपस्थित होगा। तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग में से किस संचालन में किया जाता है? मशीन टूल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ डैश होता है कितना? 0 होता है। आपका हिस्टेरेसिस हॉर्स सबसे कम निर्भर करता है किस पे? एम्बिएंट तापमान पर। डीसी सेंट व्यक्त करता है, डीजी करता है डीजल जनरेटर सेंट। मोटर की स्पीड मापी जाती है किसमें? एमीमीटर, वोल्टमीटर, मेगर में या टैकोमीटर में मापी जाती है। इनमें से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? डीसी अवकल मोटर में। डीसी मोटर में यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? बीएचपी मल्टीप्लाई 335 से। एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव क्या होता है? बनानी आसान होती है। एसी ड्राइव वाले डीसी ड्राइव कहते हैं महंगी होती है, आकार में बड़ी होती है, आकार रखा में महंगा होती है, बनाने में आसान है, बनाने में आसान होती है। डीसी मोटर के झटके को स्टार्ट करना, स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? स्टार्ट का कनेक्ट टर्मिनल खुरदरा है। डीसी मोटर का फ्रेम डैश होता है, जालियों से बंद होता है। जो डीसी मोटर का फ्रेम होता है वो पीछे होता है, जालियों से बंद होता है। फ्रेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बीज की उंगली क्या दर्शाती है? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय चालक में धारा प्रवाह की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक के घूमने की दिशा। तो चुंबकीय प्रवाह की दिशा दर्शाती है। सीरीज वाइंडिंग में संबंधित इनमें से क्या सही है? मोटर और तार में कम घुमाव होता है। शुरू में डीसी मोटर में से क्या नहीं होता? आर्मेचर गतिशील होता है, ईएमएफ में 0 होता है, आर्मेचर में बहुत कम होता है, डीसी मोटर स्थिरांक होता है। डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज्यादा प्राप्त करने के लिए किसे परिवर्तित किया जाता है? फील्ड को, वोल्टता को, फ्लक्स को, फायरिंग कोण को? तो फ्लक्स को। ब्लोवर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? डीसी शंट मोटर लगाई जाती है आपकी। जब दिष्ट धारा शंट मोटर को यंत्र को लोड से पूर्ण लोड स्थिति में बदला जाता है तो इसकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी घट जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प कौन सा? ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स में उत्पादित करता है। अगर मोटर सेफ पुली ढीली हो तो क्या होगा? मशीन शोर करेगी। अगर मोटर सेफ पुली हो, ढीली हो तो क्या करेगी? शोर ज्यादा करेगी। डीसी मोटर का बैंक ईएमएफ किस तल पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। किसी जनरेटर पर ओवरलोड सुरक्षा का संयोजन क्या होगा? निरंतर आंतरिक करंट से मीटर की रक्षा के लिए।
क्रोड या कोर की प्रतिबंधी सामान्यतः किससे होती है? सिलिकॉन इस्पात से। इनमें से किस प्रक्रिया में उच्च प्रारंभिक एंटन या हाई स्टार्टिंग की जरूरत होती है? इंजन में। एसआई इकाई में डीसी मोटर के बल अवापन की इकाई क्या है? जूल। क्या होती है? एसआई इकाई में डीसी मोटर की बल लगाने की इकाई क्या होगी? जूल होगी। एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वोल्ट है तो मोटर की अधिकतम अक्षमता लगातार हानि कांस्टेंट होनी चाहिए 300 वोल्ट, 12 वोल्ट या 600 वोल्ट या 100 वोल्ट, इसमें 600 वोल्ट होनी चाहिए। बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में लैस होगा, मामूली कमी होगी, अनुपातिक परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन या मामूली वृद्धि तो मामूली कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर के नाम पट्टिका पर उपलब्ध होती है? एचपी रेटिंग, आरएमएस, आरपीएम या फ्रेम मॉडल या उपरोक्त सभी होती। कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम में ली जाती है? वेब वाइंडिंग, लैंप वाइंडिंग, वेब लैंप वाइंडिंग में से कौन सी तो वेब वाइंडिंग काम में ली जाती है। ये आपका चैप्टर नेक्स्ट 8 चैप्टर तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो 9 से 13 तक कंप्लीट करेंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।